फीवर। कहाँ जा रही है? एमजे के घर। I have a group study. No way. तुम उस group studies में नहीं जाओगी। Why? उधर भी boys का issue है। It's not about the boys, Amu. It's about your friend Emjo. वो तुम्हें उस class में distract कर देगी। And she'll get better marks than you. So? You have to get A, na, darling. You know what, Mama? You're getting paranoid for nothing. Firstly, lower your tone, okay? मैं तुम्हारी माँ हूँ। And मैंने decide कर लिया है कि तुम उस group studies में नहीं जाओगी। भले ही मुझे पढ़ाना पड़े। आप मुझे कैसे पढ़ाओगे, मामा? मैं तो आपसे बात ही नहीं कर रही। थोड़ा problem हो गया ना? अम्मू। डैडी मुझे पढ़ाएंगे। Cause if I must stay in jail, I choose my jailer. अम्मू, 98%? महिषा, what is this? आप शायस्ता का revision schedule बनाइए और मुझे भेजिए। You either show me the results or you're fired. Exam, जिस उम्र में भी हो, exam तो देना ही पड़ता है। किसी को पढ़ाई में, तो किसी को लाइफ में। बच्चों के एग्जाम्स में कैसे मम्मीज बिकम वॉरियर्स, पर मम्मी के एग्जाम में कोई उनके साथ नहीं होता। I seem to have lost my child's trust. और अब उसे वापस पाने के डिफिकल्ट एग्जाम को मुझे पास करना है। आपकी बेटी स्कूल बंक कर रही है। He's not paying attention in class. Wi-Fi बंद है। My child is a top. तेरी बेटी को कितना मिला? कभी up, कभी down, कभी circus clown, कभी verb, adverb, कभी proper noun, math, कभी science, कभी history. Yeah, ever on the story. कभी बीवी, कभी बहू, कभी घर की बात, कभी teacher, कभी mom, कभी chef हो जाए। एक किलो मिर्ची, दो किलो good. Yeah, do a mental hood. Exams का tension सर पर है, क्या हो गई पूरी तैयारी? पढ़ने के बहाने जाती है बेटी का कोई boyfriend तो नहीं? मम्मी, मेरे डांसिंग शूज। कभी हाँ कभी ना, कभी माने ना, कभी ऑफ कभी ऑन, कभी इनसाइड आउट, कभी दाएं मुड़ कभी बाएं मुड़। ऑफ है मेंटल हुड। हे जो, इज दिस ट्रू? नो रियली, इज दिस ट्रू कि बच्चों को इस साल सेक्शंस ऑफ उनके मार्क्स के हिसाब से मिलेंगे? मतलब द ब्राइट वंस गो टू ए एंड बी एंड द नॉट सो ब्राइट वंस गो टू सी एंड डी। यप, दिस इज डिस्क्रिमिनेशन गाइस। रेजो, तो यू आर द पीटीए हेड ना, तूने रोका क्यों नहीं? रोक? हाँ, इट्स माय डिसीजन। अगर मेरी बेटी 95% लेके आती है और कोई 60% और 40% वाला कमजोर बच्चा उसे रोक रहा है और टीचर उस वजह से पूरी क्लास का पेस स्लो डाउन कर रही है, फशरा औलाद। मतलब ए सेक्शन वाले बच्चे शेक्सपियर पढ़ेंगे और डी सेक्शन वाले केतन भगत? नहीं मेरी माँ, सिलेबस सेम रहेगा लेकिन कुछ बच्चे, कमजोर बच्चे, अब्रिज नोट्स पढ़कर पास हो जाएंगे, बाकी डिटेल्ड एनालिटिकल एसेज लिखेंगे, रिपोर्ट्स, एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा लिस्ट, यू नो, व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड फॉर हार्वर्ड एंड येल। मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पे और क्यों इन्वेस्ट करें, राइट? बच्चे एसेट्स थोड़ी ना है। एंड माय किड्स आर गुड एट स्टडीज, एक दो मार्क्स की वजह से पीछे रह गए, देन इट्स नॉट फेयर ना। और मैं कानपुर से यहाँ बच्चों को बी सेक्शन वाली पढ़ाई करने नहीं लाई हूँ। ग्रेट, तो मेहनत करो एंड गेट द सेक्शन यू वांट। और मेरे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स? तेरे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की वजह से बाकी बच्चे सफर नहीं कर सकते, सो आई विल फिक्स इट और डील इट। ये जो तेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तू परफेक्ट है, तेरे बच्चे परफेक्ट है, हम ही मारेंगे। बंद कर यार ये क्लास, नहीं करना मुझे। चलो 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 बच्चों, आगे चलो। Hey Anuja, oh, I just come to Sahil, you can't do this. तुम यहाँ नहीं आ सकते ऐसे। तरुण को पता चलेगा, वो बहुत नाराज होगा। You know that. Look, I just wanted to talk to you. I understand, but यहाँ नहीं और अभी नहीं। Please घर जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। ना हम घर पे बात कर सकते हैं ना यहाँ। This is not done. I know. Okay, I'm sorry. जैसे exams खत्म होंगे, मैं खुद बात करूँगी तुमसे। मैं आऊँगी तुम्हारे पास, लेकिन अभी चल जाओ। Must off. We will. Please just go. शायस्ता, इंग्लिश 94, हिंदी 89, फ्रेंच 99, मैथ 56. इसकी मैथ की वजह से इसकी परसेंटेज नीचे आ जाती है। आप तो खुद मैथ की टॉपर रही होंगी, राइट? सो सॉरी मिस, मेरी मैथ इनकी तरह कभी नहीं हो सकती, बिकॉज शी इज नॉट माई मदर, आई एम अडॉप्टेड। वी विल वर्क ऑन इट। यार प्रीति, ऐसा कैसे चलेगा यार? तेरे घर में कर्फ्यू लगाने क्या सोची है? इनके दोनों के नंबर नहीं आए ना, तो स्कूल ने कर्फ्यू लगा देना है। अरे तो इन नालायकों को मना करना टीवी देखने से, मेरे क्यों पीछे पड़ी है? मुझे जो करना था ना, मैंने कर डाला है। अब बहस एग्जाम्स के बाद करना। करा लो बंद टीवी, पहुंचो, ये तो हाल है। ओए विक्की,
बॉल छड़ इत्थे आ पढ़ने। हेलो, क्या कर रही हो? चिलिंग। पढ़ाई क्यों नहीं कर रही हो? टू रोड डाइवर्जन है येलो वुड। आई एम सॉरी आई कुडंट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर। लॉन्गेस्ट स्टूडेंट लॉकडाउन एज फार एज व्हाट्स दिस मॉम इट्स अ पोएम रिटन बाय फ्रॉस्ट एंड आपको मालूम है मैं ये 110 टाइम्स रिवाइज कर चुकी हूं। ग्रेट, आई एम वेरी इंप्रेस्ड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट अ गुड थिंग। स्टॉप पुशिंग मी, मैंने पढ़ाई कर ली है। आई एम योर मदर, इट्स माय जॉब टू पुश यू। If you get 97%, it's my job to push you to get 98%. If you get 98%, it's my job to push you to get 99%. And agar meko 99% nahi lana hai to? Kyun? Are you stupid? Kitna maza aayega na mom, jab aapki beti tougher section mein jayegi to? Kitna maza aayega? You have the guts to speak to me like you this? You have the guts? Mom, aap fail ho chuke ho. Aapke secrets, aapke jhoot, sab pata hai mujhe. अगर आप अपने मैरिज में फेल हो सकते हो तो मैं मेरे एग्जाम में फेल नहीं हो सकती। Nikki? Nikki, you're sleeping? Revision ho gaya? Nahi, aapne to karwaya hi nahi. To tum khud hi kar lete. Haan, waise bhi aapke paas mere liye time nahi. Nikki, chalo utho. Let's study. Come. Chal. Hey Nik, padhai ki? Puri raat. Maine bhi ki, aur mere algebra ke sare funde clear ho gaye. Algebra? हाँ। अरे एंटमैन आज तो साइंस के एग्जाम है, तू एल्जेब्रा की बात क्यों कर रहा है? Are you mad? It's math exam. Wow. Science. मैंने उन stupid बच्चों का सुना था, जो wrong subject पढ़ के आ जाते हैं, आज देख भी लिया, loser. गलत subject पढ़ के आया। अमू, पेपर कैसा था? I'll tell that. तुमसे तो मैं बहुत दुखी हूँ। निकी कहाँ? आंटी वो तो चला गया, उसने एग्जाम ही नहीं दिया। चला गया? आंटी वो गलत सब्जेक्ट की पढ़ाई करके आया था। What? चला। सर, ये निखिल तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? एग्जाम था ना? ये आपका लड़का है? जी। बस स्टॉप पे था। नागपुर की बस में कानपुर का टिकट मांग रहा था। बस वाला ने हम लोगों को इन्फॉर्म किया, पैसे भी नहीं है उसके पास। निकल इधर आओ। क्या कर रहा था, कहाँ जा रहा था? मम्मी ने गलत सब्जेक्ट सिखा दिया, वैसे ही मैं फेल होने वाला था और आप लोग मुझे डांटने वाले थे, इसलिए मैं भाग के दादी के घर जा रहा था। क्या सर, कैसी माँ है? बच्चे को गलत सब्जेक्ट पढ़ा दिया। हम भी वर्किंग वुमन हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी पढ़ाते हैं उनको, पर ऐसा नहीं होता। सर, आपसे बच्चे संभलते नहीं है तो पैदा क्यों करते हो? वो गलती हो, मतलब बच्चे से गलती हो गई, सॉरी। चला। वो ऐसे थोड़ी ना करते हैं, हाँ? फेल ही हो जाते हैं ना, सो व्हाट? निकी, निकी, निकी घर पर है क्या? नहीं मैडम, निखिल तो नहीं है। पिक अप द फोन। निकी, निकी तुम्हारे साथ था? मम्मी जी। एक बच्चा कम था, रियलाइज कर लिया? वाओ। स्टॉप इट अनमोल, मैं निकी को स्कूल छोड़ आई और जब मैं लेने गई थी ही वाजंट देयर। गलत सब्जेक्ट पढ़ा के इसे एग्जाम देने भेज दिया तुमने। वेयर इज योर माइंड? पुलिस पकड़ के लाई है इसे, इट्स रनिंग अवे। चलो अंदर चल के मुंह हाथ धो लो पहले। चल तू भी। मम्मी
मम्मी जी कैसे आए? मैंने बुलवाया। तुम नहीं संभाल पा रही हो यार, अपने आप को खो रही हो, अपने बच्चों को खो रही हो। I thought you needed some help. और तुमने डिसीजन ले लिया कि तुम्हारी मॉम मेरी हेल्प करेंगी? अगर मेरी मदद करने की इतनी फिक्र थी ना, तो तुम्हें करनी चाहिए थी। But you just left me all alone. हम पेरेंटिंग टीम है ना। तुम जीएम मॉम्स के कंपटीशन में अपनी फैमिली को भूल रही हो, और तुम्हारे इस नए शौक को पालने के लिए दिन रात मैं मेहनत कर रहा हूँ। तुम्हें बड़े शहर में बड़े स्कूल में बच्चों को डालना था ना, Here they are, they're studying. But you know what, Meera? I'm bankrolling this entire tamasha. मेरा ऑफिस पवाई में है, लेकिन हम 2 घंटे दूर टाउन में रहते हैं, टू बी क्लोज टू द बेस्ट स्कूल। मैं रोज 4 घंटे कम्यूट करता हूँ यार, 4 घंटे, एंड आई नीड टू पुट इन एक्स्ट्रा आवर्स टू वर्क सो दैट वी कैन मेक सम मनी टू सपोर्ट दिस लाइफ। सर कम ऑन यार, कहती हो कि मैं टीम प्लेयर नहीं हूँ। गेट योर फैक्ट्स राइट। आई ओनली वांट बेस्ट फॉर माय या Well, you failed. एक कंपेटिटिव माँ बनने के चक्कर में मैं वाइफ के एग्जाम में फेल हो रही थी। आज मुझे लगा कि मैं ना सिर्फ अपने हस्बैंड का भरोसा तोड़ रही थी, पर उसे और कमजोर कर रही थी। And we were becoming weaker as a couple. And I wanted to fix this. मम्मी क्या कर रहे हो? फर्रे, तुम लोग सीधे रास्ते तो पास होने नहीं वाले हो, तो चीटिंग कर लेना। नहीं नहीं मम्मी, आप पढ़ा लो ना, ये डीजे का हमसे मत कराओ। इसमें से थोड़ा अचार निकाल के छोटे डब्बे में मैंने डाल दिया है सर्व करने के लिए। ठीक है। और ये डब्बे बेटा ऊपर रखना वापस, सारा कुछ संभाल के ना। मम्मी भूख लग रही है। पढ़ाई का नाम सुनते ही भूख लग जानी है। उस दिन वाले चिकन लगवा दे यार, वो क्या है ना, इसकी बीबी ने इसको खाना देना बंद कर दिया है। देखिए पुत्र जरा बर्फ ले। थैंक यू यार। और बता, झगड़ा हो गया क्या? नहीं नहीं। हेलो नमस्ते, आपसे बात करनी थी एक मिनट। तुपी मैं आ। क्या हुआ? क्या चल रहा है? बच्चे पढ़ रहे हैं ना एग्जाम्स, अगर घर में पार्टी हो रही है तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? बर्फ रुकना एक भाई साहब, डोंट माइंड हाँ, पर आपके मिसेज ने जरूर मना किया होगा, हैं मिंटी पढ़ रही होगी, आप यहाँ चले आए। और तमीज से बोल, मेहमान है, और एग्जाम पास करके कौन सा लाड साहब बन के नौकरी करनी है इनको? ओ प्रमोद यार, अपने बेटों को पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? साला एक नारीमन पॉइंट के मॉल से इतना किराया आता मेरा, राजू की तरह जीते बैंचोत, कौन सी कमी है? तो गवार बनाए, अनपढ़ है, शराब पिए बैठ के, खुजलाए आपके जैसे। कौन सा वही गौरव यार, थोड़ा देख प्रीति, मेरा दिमाग खराब ना करिए। बेटा, I'm right here. पापा मत जाओ, मेरे फ्रेंड के पापा भी चले गए। Not going anywhere, baby. I'm right here with you. What the hell, Anuja? He must have heard Mahesh and me speak. Tarun, I can't help it. She's out of control. मुझे कुछ नहीं सुनना. You're messing up my kids. काम दिया था तुमसे वो भी नहीं होता. I do the best I can to protect you and protect my children. मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि किसी को कुछ पता ना चले, लेकिन बच्चे बड़े हो गए हैं। महिषा can see. I can't control everything and you can't blame me for everything. Happy family की फोटोग्राफ्स पोस्ट करो, I don't care. लेकिन अगर घर की माहौल की वजह से मेरे बच्चों के मार्क्स कम है, you watch it.
शाइस्ता, आपको एंग्री होना है, हो जाओ. यू वांट टू स्क्रीम मॉम आई हेट यू, दैट्स आल्सो ओके, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, माय चाइल्ड. सबको अपना बच्चा चूज करने का चांस नहीं मिलता, बट आई हैड दैट वन चांस एंड आई चोज यू. सो मेरा डीएनए आपको मिला हो या ना मिला हो, ये मैथ तो मैं सिखा के रहूंगी. मेड्स भी नहीं आई ना आज, तू बच्चों को वही छोड़ा है क्या? बिगाड़ने का शौक है ना, तो बनाए उन्हें अपनी तरह, मुझे क्या? आर यू क्रेजी? अकल से काम ले, घर वापस जा. अगर सेपरेशन भी करना है ना, तो अच्छे से लीगली करना. सेपरेशन? अरे जो मैं ऐसे ऐसे कुछ पागल है क्या? हाँ, आज धक्का दिया, कल तेरे को मारेगा. डोंट यू नो दिस मैन? If you don't stop them, it only gets worse. अगर तूने आज हाथ उठाने दिया, it gives them a license to hit you. These men need to be stopped. Just stopped. ओए, विक्की, तेरे को बर्फ लाने कहा ना? समझ में नहीं आता? तू बाप को धक्का देगा? ये सिखाया तेरे को? आप भी तो मम्मी के साथ यही तो करते हो. बढ़िया मेरे को सिखा. जो तरुण ने तुझे कभी सिली तरुण, आई एम ब्लेस्ड. पागल हो गई है. तरुण वुड नेवर एवर. नो चांस. वही मैं सोचूं. प्रीति, ये जो जैसे बन, ये जो कभी ना ये सब बर्दाश्त ना करती, मैं भी नहीं करूंगी. ये जो तू देख, हाय आकाश. लिसन आकाश, आई एम रियली वॉरिड. मुझे बैंक से सामान निकालना था, पर वहाँ दिखा रहा है कि एक्सेस डिनाइड. या बट डोंट वरी, कुछ ड्यू प्रोसेसेस में प्रॉब्लम रही होगी. मैं अभी बैंक से बात करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा. थैंक्स आकाश, लव यू लव यू लव यू. वेल, लव के बारे में ही कुछ बात करनी है तुमसे, बट पहले बैंक. Love, I'll see you at lunch. Okay, great. Vicky, give me a favor. यार प्रीति, अब माफ भी कर दे यार. तू सही कहती है, मैं ना एकदम निखट गवार हूँ. मेरे मैनर सही नहीं, तेरी वजह से ही हम जानवर सुधरे हुए. तू हमारी रिंग मास्टर नहीं है, है ना? विकी, तू जानता है तेरे नाना जी ना बड़े जेंटलमैन आदमी थे. कहते थे कि प्रीति की शादी वैसे ही बंदे से करूंगा जो मेरी तरफ पढ़ा लिखा हो. पर तेरे पापा को तेरी मम्मी बहुत पसंद आ गई. तेरे पापा ने नाना जी से कहा, अब अपनी कुड़ी हमें दे दो, कुड़ी के हाथ में चाबुक भी दे दो. वो जैसे बोलेगी जी, हम वैसे सुधर जाएंगे. सॉरी मम्मी, पापा ये बात भूल गए. लेकिन नालायको, तुम दोनों कान खोल के सुन लो. अगर किसी से कुछ सीखना चाहते हो ना, तो अपनी माँ से सीखो. मेरा एग्जाम्पल लेके मेरी तरह मत बन जाना. मैं अभी आता हूं. तुम्हारे लिए. ड्राइव कर रहे हो? ओ नहीं यार. है? तुमने कहा था गलत बात है. ड्राइव नहीं यार, ये तेरे फेवरेट स्टोर से लेके आया हूं. करना. 50% मार्क नहीं आए ना, तो तुम दोनों का जीना हराम कर देना. मैंने तू ना हमें वर्क इन प्रोग्रेस समझ, और तुम्हारी गलतियां पकड़ती रहे, वैसे ही हम सुधर जाएंगे. डील. आकाश फर्नांडिस. मिसेस शर्मा, राइट देयर. बैंक लॉकर डन. Let's celebrate. Oh, Akash, I was so worried. Thank you so much. Really. तुम तो बहुत जल्दी से टेंशन ले लेती हो. Come sit. बस कुछ पेपर साइन करने थे. इतना पैनिक करने की क्या जरूरत थी? पैनिक तो सीक्रेट का है. I feel so bad. मैं अनमोल को झूठ बोलती रही, लेकिन अब मैं उसे सब कुछ बताने वाली हूँ. You're very sweet, मीरा. मैं भी तुमसे कुछ बात करनी थी.
यू नो एक्चुअली आई फॉलन इन लव. व्हाट? या मुझे लगता था कि आई वुड नेवर बी एबल टू फॉल इन लव अगेन, पर अब सालों बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे प्यार हो गया है. ओह रियली? हाउ नाइस. अनमोल, हाउ डिड यू नो मैं यहाँ हूँ? माय फ्लावर्स. सो तुम्हें प्यार हो गया? अनमोल, इट्स नॉट लाइक यू नो. खुल के बताओ यार. वैसे भी आजकल तुम दोनों के बीच ज्यादा सीक्रेट्स हैं हम दोनों से कई ज्यादा. सिट डाउन. So let's hear your story, this pyar pyar. Anmol, I'm not in love with Akash at all. What? What? मेरे और आकाश के बीच में कोई अफेयर नहीं है. तुम्हारा आकाश के साथ कोई अफेयर नहीं है? तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? मैं मीरा को यहाँ ये बताने आया था कि yes I'm in love, but not with her. मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ बताने आया कि तुम्हें कोई मिल गया. Yes. मीरा, तुम्हारा आकाश के साथ अफेयर नहीं है. अफेयर सिर्फ फिजिकल नहीं होते हैं, इमोशनल अफेयर्स भी होते हैं जहां तुम अपने दिल की बात किसी और के साथ शेयर करते हो. फर्स्ट गुड मॉर्निंग, लास्ट गुड नाइट, इमोशनल डिपेंडेंस. अनमोल, ऐसी बात नहीं है. बिलीव मी, मैं तुम्हें बताने वाली थी लेकिन बैंक वालों ने मुझे पहले बता दिया. उनका फोन आया था और कह रहे थे कि आप और आपकी वाइफ आए थे लेकिन कुछ पेपर्स पर सिग्नेचर्स रह गए हैं. किस हस्बैंड के साथ गई थी? अनमोल, अनमोल लिसन, आकाश सिर्फ मेरी मदद कर रहा था. वो मम्मी ने कहा कि बैंक अकाउंट खोल दो. उन्होंने मुझे कुछ ज्वेलरी और पैसे दी थी और कहा कि सेव इट फॉर अ रेनी डे. तुम्हें बस. लेकिन तुमने ये बात मुझसे नहीं, आकाश से शेयर की. तुम्हें पता है ना मम्मी कैसी है. तुम्हारी मम्मी के लिए तो मैं हमेशा से ही रॉन्ग चॉइस था, वर्किंग क्लास बॉय. पर तुम 13 साल की शादी के बाद तुम मुझे समझती नहीं हो कि मैं क्या सोचता हूँ. मेरा, मैं जानता हूँ तुम किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती. तुम्हें वो चीटिंग जीन है ही नहीं यार. लेकिन मेरा, चीटिंग सिर्फ एक किस्म की नहीं होती. तुम और मैं सिर्फ हस्बैंड वाइफ या मम्मी डैडी नहीं है, हाँ अच्छे दोस्त है यार, फिर वो बेस्ट फ्रेंड्स. लेकिन तुमने वो सब बातें अब आकाश से शेयर की. मुझसे गलती हो गई. I'm sorry. बैक में पेन था, मैंने उन्हें कहा हमारे रूम में सो जाए. अनमोल, प्लीज टॉक टू मी ना. अब क्या बात करनी है, जो हो गया सो हो गया. प्लीज बिलीव मी ना अनमोल, मैंने मम्मी को बहुत बोला और मैं लॉकर इसलिए गई थी कि मैं तुम्हें हेल्प करूं. एक्चुअली ये स्कूल और इन एजोज ने मुझे पागल कर दिया है. हम एक काम करते हैं, हम बच्चों को एक नॉर्मल सिंपल स्कूल में डाल देते हैं. बच्चे यहीं जाएंगे, भूलो मत, ये हमारा सपना था. अच्छा, मैं अनकंडीशनल सॉरी मांग लेती हूँ, सब मेरी गलती है. या फिर मैं दिखा दूं कि मैं कितनी सॉरी हूं. What? तुम्हें याद है जब हम डेटिंग शुरू की थी और एक बार तुम बहुत नाराज हो गए थे और मैं तुम्हारी घर आई और यू नो पहली बार वो वाला सॉरी चलेगा? अच्छा ठीक है, मैं ऐसे सॉरी मांग लेती हूँ. माफी वाफी मांगने की जरूरत नहीं है.
वो वाला सॉरी चलो। मम्मी जी That's the best part of being a couple, कि दुनिया और बच्चे एक तरफ और मम्मी पापा की टीम एक तरफ। जितने भी सीक्रेट्स, जितनी भी कंफ्यूजन्स, सब छोटे पड़ जाते हैं अगर आपस में ट्रस्ट हो। और अगर परफेक्ट पार्टनरशिप की टीम में पार्टनर्स की आपस में बने नहीं तो और भी मुश्किलें बढ़ती रहती है। और कभी कभी टीम पार्टनर ऐसा कुछ कर देता है जो माफी के लायक नहीं होता, पर हम माफ कर देते हैं क्योंकि वी ऑल ट्राई कि पेरेंटिंग की गाड़ी चलती रहे। पर ये टीम कब तक चलेगी ये तो टाइम ही बताएगा। नेक्स्ट तारा, चलो बात टाइम। शोल्डर्स, यस यू गॉट इट। नो मीन नो डाउनसी नो बाउंसी। नो डाउनसी नो बाउंसी। कम गो अंडर द वाटर। कम ऑन, गुड। यस, वेट नाउ लेट हर। व्हाट हैपेंड? हे, व्हाई इज तारा क्राइंग? व्हाई इज योर सिस्टर क्राइंग? आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल। नो। मिस्टर अवस्थी सर, आई वाज थिंकिंग I think we have been very harsh on the kids. हमने वो जो merit based section वाला rule बनाया है ना, I think it's not fair. We should treat all the children equally. I believe in equality. Mr. Avasthi, my daughter has been molested. What? On your school premises.